हालात वाकयात कब तब्दील होंगे, सितारे क्या बता रहे हैं, ये जानने के लिए इस वक्त इरफान कामिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम सरिश, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। एक मिनट इरफान भाई से पहले मैं जरा, इरफान साहब करें सर, श्रीलंका पाकिस्तान का मैच अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान याद आया? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। सर आपने बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन की थी, टॉस तक तो सही थी लेकिन मैच पाकिस्तान जीत गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि काश ये प्रेडिक्शन मेरी गलत हो, मेरी कंट्री के साथ। अगर आप काश के ऊपर बात करेंगे तो एम्फेसाइज तो आपने यही किया था ना कि जी मैच नहीं जीतेगा लेकिन काश जीत जाए। अच्छा वैसे मैं बताऊं, जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट है ना, उन लोगों के लिए सबसे मुश्किल होता है मैच की प्रेडिक्शन करना, तो थोड़ा सा ना जरा फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। नहीं अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये मैच पाकिस्तान जीता होगा तो इरफान भाई ने डेफिनेटली जो है वो ये कैलकुलेशन जरूर चेक की होगी कि भाई किसका सितारा ऐसा चमका है। तो अब जरा ये बताइए कि ये कैसे गलत हुई है, ये चीज जो गलत साबित, बेशक जात अल्लाह ताला की है, उसके कुन से जो है वो सब कुछ होता है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन जो है सितारों की वो कहां डगमगाई? बात ये है फहीम भाई के कुछ चीजें इसमें ऐसी होती हैं कि जिसको आप, मैंने कहा ना टॉस सबसे मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि वो उसमें बिहाइंड द बार्स कोई चीजें ऐसी नहीं होती जिसको कि आप कह सकेंगे अच्छा कोई चीजें उसमें मैनिपुलेट हो गई होंगी या फिर, बट मैचेस के अंदर यू नो के क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको क्या डिस्कस करूं। असल चीज ये होती है कि चलें, मैं तो सबसे पहले कहता हूं मुझे अपनी ये हार अच्छी लगी क्योंकि पाकिस्तान की जीत है, तो ये हार मेरी बहुत अच्छी है, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब इरफान साहब आ जाते हैं आगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, हमारे साथ ऑटो इंडस्ट्री से मुंसलिक एक शख्सियत थी, उन्होंने बताया कि भी महंगाई जो है ना वो तो नहीं कम होने वाली, डॉलर भले नीचे आ गया है गाड़ियां महंगी ही रहेंगी, अभी फिलहाल जो पुरानी चला रहे हैं वही चलाएं। ये पाकिस्तान में महंगाई कब कम होगी, हुकूमत जाने के साथ या फिर उससे पहले कुछ चमत्कार हो सकता है? नहीं एक्चुअली पाकिस्तान में जो महंगाई है ना, ये सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हमने पहले भी कहा था कि सबसे पहले हमें अपनी नियतों को साफ रखना होगा, पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि हमें इंसाफ का निजाम जो है ना, कहते हैं ना कि कॉल का चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता। तो जब तक इस कंट्री के अंदर थोड़ा सा ये चीजें होती रहेंगी तो ऑब्वियसली, बट लेकिन हम अगर उसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो कुछ चीजें आपको जनवरी में बेहतर होती हुई नजर आ जाएंगी, कि दिसंबर के बाद कुछ चीजें होंगी जो कि आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हुई नजर आएंगी। और जनवरी में कुछ, ये अगर आप गाड़ियों की सेक्टर की बात करते हैं तो गाड़ियों का जो सेक्टर है वो ज्यादा रिलेट करता है सैटर्न से, और सैटर्न जो है वो एप्लीकेबल होता है आफ्टर 21st of December। तो आपको जनवरी दिसंबर का लास्ट, जनवरी एंड फरवरी का मिड, ये आपको जरा कुछ अच्छा नजर आएगा रिगार्डिंग कार्स की प्राइजेज, आपको थोड़ी कम नजर आएंगी, ये डॉलर भी इसी वजह से। लेकिन अब देखिएगा आप, थोड़ा सा गोल्ड की प्राइस आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी अपकमिंग डेज में, जा रही है आपको गोल्ड की प्राइजेज ऊपर जाएंगी, क्योंकि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। जब आपके डॉलर मींस यानी रूपी जो करेंसी है, जब ये थोड़ा डिवेल्यूशन की तरफ आती है तो गोल्ड प्राइसेस हाई होती है, जब गोल्ड थोड़ा डाउन होता है तो ये करेंसी हाई साइड पे आती है, क्योंकि दोनों चीजें डिफरेंट है, वो जुपिटर से रिलेट करता है। अच्छा इरफान भाई मैं ये जानना चाहूंगा कि आईसीसी का सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा इवेंट जो है वो कल होने जा रहा है इंशाल्लाह, इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है, और 1,32,000 का क्राउड जो है, जैम पैक स्टेडियम, सोल्ड आउट स्टेडियम जो है वो इस वक्त मौजूद है, और दुनिया भर के अंदर जो है वो करोड़ों अरबों लोग इसे देखने वाले हैं, बड़ी लोगों की नजर है। और मैं चाहूंगा डेफिनेटली आपने भी इसके ऊपर जो है वो कैलकुलेशन की होगी, तो अपनी कैलकुलेशन और अपने इस इल्म की रोशनी में जरा बताइए कि क्या देख रहे हैं। देखें कल का दिन जो है वो सैटरडे का दिन है, 14th of October जब मैच होने जा रहा है, ये दिन टॉस के हिसाब से ये सपोर्ट करेगा बेसिकली इंडिया को, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो टॉस है वो इंडिया जीतेगा। लेकिन जो मैच है, अगर उसमें किसी किस्म की, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ऑनेस्टी के साथ अगर मैच हो तो फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह विल बी द विनर। अच्छा जबरदस्त, क्योंकि इरफान साहब ऐसे ही एक दो और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, टैरोकॉट रीडर्स थे, उन्होंने भी हमें कुछ इसी किस्म की प्रेडिक्शन दी है कि मैच पाकिस्तान जीतेगा, तो इंशाल्लाह हमें तवक्को अच्छी रखनी है। और मैं ये जानना चाहूंगा इरफान भाई कि आपने ये बताया ना कि जी पाकिस्तान जीतेगा, तो बिल्कुल इंशाल्लाह हमारी भी यही ख्वाहिश है और हमारी भी यही दुआएं हैं कि जीते। आपने ये कैलकुलेशन किस एतबार से की है, नंबर्स के एतबार से की है, नंबर फेवर में जा रहे हैं,
14 अक्टूबर है, तो क्या 5 का हिंसा पाकिस्तान के फेवर में जा रहा है क्या? जरा थोड़ा सा जो है वो इसके बारे में बताइए ना। मैं आपको बता देता हूँ इसमें। देखें, जो कैप्टन, मैंने कहा ना टॉस जो है वो कैप्टन से रिलेट करता है, तो उसके अंदर देखते हैं कि बाबर आजम साहब और जो इंडिया के कैप्टन है उन दोनों में से किसकी उस दिन ज्यादा लक चार्म किसका ज्यादा है, तो वो उस दिन इंडियन कैप्टन का नजर आ रहा है। तो ये तो उनकी टॉस की कैलकुलेशन हो गई, क्योंकि उसमें टीम का कोई अमल दखल नहीं होता टॉस में। अच्छा, सेकंड जब आप टीम की बात करते हैं तो हम ओवरऑल जो 11 खिलाड़ी हैं उनको देखते हैं कि उनमें से जो 11 खिलाड़ी हैं वो किस तरह से ज्यादा जो जो आपके प्लेयर्स हैं वो कितने उस दिन के हिसाब से लकी हैं। तो जब हम ये देखते हैं, जैसे उस दिन किया था, उस दिन स्कोर सबसे ज्यादा रिजवान ने किया, तो ऑब्वियसली वो उस दिन के हिसाब से लकी थे क्योंकि उनकी बर्थ उस हिसाब से थी। बिल्कुल इसी तरीके से इस दिन जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो हैं वो लिब्रा, मर्करी और सैटर्न, ये तीन प्लैनेट, ये बड़ा फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, ये इसके अंदर कोरिलेट कर रहे हैं आपस में। इस वजह से ये दिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बहुत सपोर्ट कर रहा है। और स्पेशली द नंबर, कौन से किसी एक आध का नाम बताएं ताकि हम जरा उसे भी नोट डाउन कर लें। पहले तो सबसे पहले तो बाबर आजम है, ठीक है, उसके बाद हारिस रऊफ है, उसके बाद रिजवान इटसेल्फ, रिजवान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है अभी, जो 20th का भी जो मैच होगा उसमें भी रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आनी चाहिए। तो ये जो 3-4 प्लस आपके जो बॉलर्स के अंदर शाहीन है वो बहुत अच्छे हैं, वो भी सर्टेन रिलेट कुछ सबका भी बता दें कौमी टीम को, वो नहीं कर रहे हम ही उनके लिए कर देंगे जी, हम कर देंगे। मैं आपको बताऊं, ये कौम इतनी अच्छी है, ये इतनी दुआएं करती है अपनी टीम के लिए, मैं तो कहता हूँ दुआओं से सारी चीजें बदल जाती हैं। और जो जहां तक बात है, अपनी नियत को अच्छा रखें और ऑनेस्टी के साथ खेलेंगे, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान विनर है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सर कौन तो दुआएं करती करती है ऑनेस्टी के साथ, लेकिन जो रिजवान करते हैं ना वो भी कमाल करते हैं और दिलों को जीत लेते हैं। वो किसी की परवाह नहीं करते, वो ये नहीं देखते क्राउड क्या है, वो ये नहीं देखते कहाँ खड़ा हूँ क्या कर रहा हूँ, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और खुले दिल के साथ करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फतह नसीब होती है। हम सब लोगों को अपने अपने जो भी हम काम करते हैं उसमें इसी ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात उसमें हमेशा आपको कामयाबी देती है इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में जाते जाते मैं चाहूंगी थोड़ा सा इरफान साहब आप बता दें, बड़े मियाँ साहब वापस लंदन तो नहीं चले जाएंगे या पाकिस्तान ही आ रहे हैं? मुझे तो मुश्किल लग रहा है उनका भी आना यहाँ पर। अच्छा, मुश्किल लग रही है, यानी कि वो जो अभी निकले हैं उमरा करने के लिए, उमरा करके वापस भी जा सकते हैं? डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है ये। और मैंने कहा ना दुबई से वापस जा सकते हैं, मुझे मैंने आपको बताया उनके लिए जो टाइम अगर है, अगर वो आ गए, अगर आ गए तो वो बस 21 अक्टूबर है, उसके बाद शायद मुश्किल है फिर उनका आना, फिर डिफिकल्ट। हाँ, बस मुझे कुछ ऐसा सही है क्योंकि 21 अक्टूबर को सब चेंज हो जाता है ना, ये हम आप लिब्रा से ट्रांजिट कर जाएंगे बेसिकली स्कॉर्पियो में, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो जाती है सब, वेनस से आप ट्रांजिट करते हैं मार्स के अंदर, बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है फिर वो। चले, तो इस वजह से लगता तो ऐसा है कुछ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इरफान साहब मौजूद रहे और आपने इस हवाले से हमें बताया कि सितारों की चाल क्या, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।